22 से 25 तक होगा ये सियांग रिवर फेस्टिवल पासीघाट में। गाइस टेंट उन भी पूरा लगाया गया है, स्टोर को ठीक करेगा। ठीक करने के बाद में देखो देखो गाइस पूरा हम लोग का स्टॉल पूरा अभी बन। हाय गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सभी से एक महीने के बाद मिल रहा हूँ, तो बहुत ही बिजी हो गया था। तो हम लोग जनवरी 22 को हम लोग दिल्ली निकल गया था, उसमें भी हम ब्लॉग बनाने का सोचा था, लेकिन क्या हुआ है कि वही ट्रैवलिंग ब्लॉग हो जाएगा कि इसलिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नागरा टू दिल्ली, दिल्ली टू ये अरुणाचल का ब्लॉग बना चुका है वो ट्रैवलिंग वाला, तो आप लोग भी बोर हो जाएगा बोल के, तो इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया और ऐसे बिजी था, मोबाइल छूने का भी टाइमिंग नहीं मिल रहा था। तो अभी एक महीने के बाद आज हम लोग घर पहुँचा है, आज फरवरी का 21 है, तो आज हम लोग घर पहुँचा है, घर इन द सेंस पहुँचने से पासीघाट चाची के घर पे। तो हम लोग पासीघाट इसलिए आए हैं बोलने से क्योंकि हमें और एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को हम लोग निपटा के ख़त्म करके पे हम लोग ईटानगर चला जाएंगे। तो आज मैं दिखाऊंगा कि हम लोग का जो वो जो प्रोग्राम का लोकेशन है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो पूरा रेडी सेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग देख लेंगे और मैं आप लोग को अभी चाची का घर दिखाऊँ, ठीक है एक मिनट। तो ये रहा चाची का घर, यारा अभी हम लोग 5 दिन तक यहाँ में बैठने वाले हैं, उसके बाद फिर से हम लोग निकलेंगे ईटानगर की ओर। तो ये रहा गाइस अभी हम लोग पूरा बम्बू पूरा लेके अभी लोकेशन में जा रहे हैं। ये रहा, तो क्या होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा पूरा वापी भैया, चलो ना बैठो ना महारानी। मेरा तो एनर्जी लेस होके बैठा है, ट्रैवल कर करके रेस चाहिए, रेस। कोई बात नहीं, अभी काम करके आके नहा के आराम से सोऊंगा। तो ये देखिए गाइस पासीघाट का वेदर आज ऐसा है। तो गाइस ये एंट्रेंस गेट है, ये रहा, उसके बाद में गेट का ठीक सामने में वो रहा टिकट काउंटर, वहाँ पे बनाया गया है, और ये रहा एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से आप लोगों को अंदर घुसना होगा सियांग रिवर फेस्टिवल देखने के लिए। तो गाइस हम लोग लोकेशन में पहुँच गया है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और हम लोग यहाँ पे इसलिए आया है बोलने से क्योंकि कल 22 को सियांग रिवर फेस्टिवल होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉल कर रहा है, तो हम लोग का भी स्टॉल होगा। तो कल मैं दिखाऊंगा कि हम लोग का क्या स्टॉल होगा, क्योंकि अभी तो जस्ट हम लोग अपना स्टॉल को हम लोग थोड़ा बनाने के लिए आया है। तो लोकेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। लोकेशन ऐसा दिखता है, ये रहा। तो सब लोग अपना स्टॉल को पूरा रेडी करने के लिए आया है। तो ये रहा देखिए, वहाँ उधर में पूरा स्टॉल है। ये रहा वहाँ पे भी, और उस साइड में है निजुक स्टैंड है, मैं आप लोगों को बाद में सामने लेके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे भी है, ये रहा उधर में भी होगा। गाइस जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी ये कल से शुरू होगा, 22 से 25 तक होगा ये सियांग रिवर फेस्टिवल पासीघाट में। हमारा प्रोडक्ट होगा, हम हैंडीक्राफ्ट का बीट्स ज्वेलरी और लोकल प्रोडक्ट ये सब होगा। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा स्टॉल में आइए, मेरा स्टॉल नंबर 48 है, इसमें आप लोग विजिट कीजिए। मेरा डिज़ाइन जो ज्वेलरी है ये सब डिज़ाइन किया वाला आप लोग यहाँ पे मिलेंगे, और आप लोग आनंद ले सकते हैं इधर में। आप लोग साथ ही साथ में सियांग रिवर फेस्टिवल का भी आप लोग आनंद उठाइएगा, और जैसे कल इनॉग्रेट होगा सीएम
हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो पेमा खांडू सर आएंगे, और उसके बाद शान हम लोग का जो बॉलीवुड सिंगर वो भी आएगा, और लास्ट में कुनाल गंजा वाला वो भी आएगा। तो आप लोग सब आइएगा और विजिट कीजिएगा। थैंक यू गाइस। देखिए पूरा लोकल स्टाइल में, देखो ये टेबल है, उसके बाद में देखो चेयर इस तरफ से बनाया गया है पूरा। यहाँ पे जितना भी है पूरा बम्बू का बम्बू से बनाया गया है। ये रहा पूरा पेपर स्टॉल्स, उसके बाद में वहाँ पे भी है। अभी तो फिलहाल स्टेज भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा उसमें बहुत ही सुंदर होगा, वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तब मैं आप लोग को कल दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा से अपने स्टॉल को ठीक करेगा, ठीक करने के बाद में उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे। अभी पूरा बम्बू से काम चल रहा है ये रहा। उसके बाद में यहाँ पे भैया भी काम कर रहा है ये रहा। तो गाइस अभी यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, और अभी यहाँ पे पूरा हम लोग बनाएगा, अभी ऐसा जैसे बनाएगा और बाहर में भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हम लोग का सामान वामान रखने के लिए। तो अभी तक ही काम चल रहा है, पूरा काम चल रहा है रहा। देखो देखो गाइस पूरा हम लोग का स्टॉल पूरा अभी बन रहा है ये रहा, पूरा यहाँ पे लगा रहा है। उसके यहाँ पे भी लगाएगा इस तरफ में, और नहीं करेगा नहीं उधर बाहर नहीं करेगा, इतना तक। हाँ तो यहाँ पे पूरा बन रहा है और पूरा काम चल रहा है। अभी ये देखो मेरा, और हम दोनों हैं महाराजा और महारानी। हाँ बोलो ना। तो गाइस ये रहा सेंग रिवर का लोकेशन, उसके बाद में ठीक सामने में ये रहा वो रहा राणा घाट ब्रिज, ये रहा काफ़ी सुंदर है ठीक ब्रिज के सामने में, और ये रहा लोकेशन बहुत ही सुंदर है। ये सब फोटो सेशन के लिए होगा, फ़ोटो खींचने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लाइट उइट पूरा जलाया जाएगा, जब लाइट जलाने के बाद बहुत ही सुंदर होगा ये रहा। और ये रहा गाइस देखो काफ़ी सुंदर है, और वो रहा स्टेज, जब कल प्रोग्राम होगा तो बहुत ही सुंदर देगा पूरा। अभी स्टेज उसे भी पूरा बना रहा है, और ये मेरे बच्चा का खेलने वाला भी एक बच्चा वहाँ पे ये रहा तो ये रहा पूरा यहाँ पे पूरा बना रहा है ये रहा। म्यूजिक सिस्टम होगा, बहुत कुछ होगा, और वहाँ पे पूरा टेंट उन भी लगाया गया। ये रहा स्टेज ऐसा दिखता है गाइस, ये रहा मैं एक बार आप लोग अच्छे से दिखाऊँ, ठीक है। सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। और देखिए टेबल, देखिए बैठने वाला पूरा लकड़ी से बनाया ना, बहुत ही सुंदर है ये रहा पूरा। फिर भी पूरा अपना अपना स्टॉल पूरा रेडी कर रहा है कल के लिए, ये रहा पूरा सब लोग काम कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग का काम खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि तो बहुत थक चुका है। तो काम तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं घर, तो भैया लोग का